हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ टमाटर और प्याज की बहुत ही सिंपल सैंडविच। बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बना ये सैंडविच बहुत ही क्रिस्पी, जूसी और टेस्टी बनता है और सिर्फ 8 से 10 मिनट में बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। इस सैंडविच को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और इसमें हम बनाएंगे एक मिश्रण। तो यहाँ पर एक प्याज लिया है और 2 टमाटर है छोटे साइज़ के, और बिल्कुल बारीक बारीक काट करके इसको मैंने डाला है यहाँ पे। तो थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पे लिया है 2 हरी मिर्च बारीक काट करके। फिर हम इसमें डालेंगे नमक। तो आधा छोटा चम्मच मैं नमक डाल दे रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चाट मसाला डाल देंगे आधा छोटा चम्मच, और फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो नहीं भी डालें। और फिर हम इसमें डालेंगे ये भुना जीरा पाउडर है, ये भी आधा छोटा चम्मच डाल देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे ये काली मिर्च पाउडर, तो 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। और लास्ट में हम ये बारीक कटी हुई धनिया 2 बड़े चम्मच डाल देती हूँ। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसमें नींबू का भी रस डाल सकते हैं, लेकिन टोमेटो है और चाट मसाला भी ऐड किया है तो नींबू का रस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाट मसाला जो है वो वैसे भी थोड़ा चटपटा टेस्ट रहता है उसका। ये देखिए, इसको मिक्स कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पे लिया है 4 ब्रेड, और इसमें हम एक एक ब्रेड पर रखेंगे 2-2 चम्मच ये मिश्रण टमाटर और प्याज का। तो बिल्कुल सिंपल सा सैंडविच है ये टमाटर और प्याज का, आप इसे सैलेड सैंडविच भी बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, टमाटर, प्याज, धनिया, मिर्चा, जो कि हमेशा घर में उपलब्ध होते हैं, पाए जाते हैं। तो बिल्कुल झटपट वाला सैंडविच है, नाश्ता है, जो कि कभी भी कोई भी बना सकता है। तो अगर आपके पास घर में इसके अलावा खीरा है या फिर शिमला मिर्ची है, जो भी है जिसे आप सैलेड में यूज़ करते हैं, वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो अब हम इसे दूसरे ब्रेड से कवर कर देंगे और इसे हम सेक लेंगे। तो यहाँ पे तवे पे मैंने डाला है बटर 1 चम्मच। तो बटर की जगह पर आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके ऊपर हम ये तैयार किया हुआ सैंडविच रख देंगे, और सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इसको सेकने में। 1 मिनट एक साइड और 1 दूसरे मिनट में दूसरे साइड। ऊपर से भी हम थोड़ा सा ये बटर लगा देंगे ताकि जब हम पलटें तो इधर से ही अच्छे से सिक जाए। तो इसे सेकने में सिर्फ 2 ही मिनट लगता है सैंडविच को, बाकी जो समय लगता है आपका टमाटर और प्याज को कटिंग करने में, प्रिपेयर करने में लगता है। तो इसे हम दोनों साइड से सेक लेंगे बिल्कुल क्रिस्पी होने तक। तो छोटी छोटी भूख के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, जो कि झटपट से बन जाती है। तो बस अब ये रेडी है, आप देख सकते हैं इसको मैंने दोनों तरफ से क्रिस्पी सेक लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, ये देखिए, और बिल्कुल क्रिस्पी बना हुआ है ये। इसे मैं आपको काट के दिखाती हूँ, ये देखिए, है ना, बिल्कुल एकदम मज़ेदार रेसिपी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।